अब खबर चतरा से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होना है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि सामने आ रही है, प्रत्याशी और उनके समर्थक चिलचिलाती धूप की परवाह ना करते हुए मोटरसाइकिल रैली, जनसभा तथा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मयूरहंड प्रखंड के मंझगांव पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार मंजीत सिंह और उनके सैकड़ों समर्थक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जनता ने कहा कि जिस तरह पिछले 7 सालों से निस्वार्थ भाव से मंजीत सिंह ने क्षेत्र की जनता की सेवा की है, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। वहीं मंजीत सिंह ने कहा है कि मंझगांवा के पूरे पंचायत क्षेत्र को विकसित करना उनका प्रथम कार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य वो करेंगे। मयूरहंड प्रखंड के मंझगांवा पंचायत के लोगों का भी ये कहना है कि क्षेत्र में आज भी विकास नहीं हो पाया है, लिहाजा इस बार वे सब गांव की सरकार का चयन काफी सोच समझ कर करेंगे। मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे युवा जुझारू प्रत्याशी मंजीत सिंह का कहना है कि मैं नहीं बल्कि इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। मंझगांवा गांव में और पंचायत में भ्रष्टाचार की काफी सारे मामले आते रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में जितने भी सारे स्कीम आए 6.5 साल में, मुखिया का कार्यकाल तो 5 साल रहा, 1.5 साल और एक्स्ट्रा मिला उनको, लेकिन पूरा का पूरा सारा स्कीम भ्रष्टाचार में चला गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो गलती कर चुके हैं इस बार वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। पूरा फुली बदलाव होगा और हम लोग पूरा निस्वार्थ एक बढ़िया मुखिया हम लोग चुन रहे हैं। मंजीत जी, मंझगांवा गांव, मंझगांवा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? मैं इस क्षेत्र के लिए, मंझगांवा पंचायत के लिए मैं ये कर सकता हूँ, हर गरीब के यहाँ आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हर एक गरीब के यहाँ तक पहुँचाऊँगा, उसका लाभ दिलाऊँगा। सरकारी योजना जो भी होगा हर घर तक पहुँचाऊँ, मैं खुद जाके कोई बीच में दलाल का थ्रू मैं काम नहीं करूँगा, खुद से मैं जाकर संपर्क कर काम करूँगा। अच्छा, जनता का आपको अपार समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन का पीछे राज क्या है? राज एक कुछ नहीं है, मैं जो भी आज तक मैं काम किया हूँ सिर्फ निस्वार्थ भाव से मैं काम किया हूँ और आगे भी मैं चाह रहा हूँ मैं इसी तरह काम करूँगा। क्या लगता है आपका टक्कर किससे माना जा रहा है? टक्कर किसी से नहीं है। हाँ, पहले तो आप नाम बताइए। सब बोला खड़ा। मेरा नाम निवास कुमार सिंह है। हाँ निवास जी, गाँव का हूँ। मंझगांवा पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रत्याशी भी इस बार खड़े हैं, सभी विकास के दावे कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कैसे लोगों का आप चयन करेंगे और क्षेत्र का क्या स्थिति है? इस बार हम लोग मन बना के एक युवा उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो ईमानदार है, देखने को मिला हम लोगों को, कर्मठ है, जुझारू है, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग इस बार जिताना चाहते हैं जो हम लोगों को कुछ परिवर्तन लावे पंचायत में और कुछ नया करके दिखावे, ऐसा हम लोगों का सोचना है और हम लोग आशा कर रहे हैं। मंझगांवा का गांव, गांव और पंचायत में जिस तरह का विकास होना चाहिए, हो पाया है क्या? नहीं, वैसा तो नहीं हो पाया है, बिल्कुल करप्शन का शिकार। क्या क्या समस्याएं आज भी बरकरार है? बिजली, पानी, सड़क, PCC वगैरह का समस्या रही है। स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं के बराबर है, हम लोगों को तो हजारीबाग भागना पड़ता है, रात में गाड़ी वाड़ी नहीं मिलने पर किसी किन्हीं को मौत भी हो जाती है, एम्बुलेंस वगैरह का कोई साधन नहीं है, नर्स वगैरह भी नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र है ही नहीं तो नर्स कहाँ से मिलेगी। तो इस बार जो प्रत्याशी चयन करेंगे वो किस तरह का प्रत्याशी का चयन करेंगे आप? हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो विकास करे और सभी आम व्यक्तियों का सुने, पिछले पायदान पर तक आम आदमी तक वो पहुंचे, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग चुनना चाह रहे हैं। ऐसे कितने प्रत्याशी का नाम है आपके? इतने दुखे प्रत्याशी ऐसे हैं जो हम लोग लगे हुए हैं उसके पीछे, इस बार उस वैसे प्रत्याशी को हम जितावे, इक्का दुक्का है जो हम लोग लगे हुए हैं।